उस कॉलेज नू सजदा मेरा जिस कॉलेज विच पढ़िया मैं। लॉकडाउन सिर्फ अल्फाज नहीं, इसके आने से ज़िंदगी थम सी गई थी। इस सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, यहां कभी सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी कुछ ही दिन की बात है, हम घर पर थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आई कि हॉस्टल फिर से ओपन किया जा रहा है। फिर क्या था, हमने ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह हम हॉस्टल में थे। दोस्तों, मैं हूँ दीपक पटेल और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ CCS यूनिवर्सिटी कैंपस। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह। यहाँ पर कल्चरल और दीक्षांत समारोह जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। तो जो स्टूडेंट आरके सिंह हॉस्टल के हैं और या KP हॉस्टल के हैं, उनमें से कुछ बच्चे इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। यह है स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय डिस्पेंसरी। यहाँ पर जनरल मेडिसिन मिलती है, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, किसी चोट लगी हुई ट्यूब मिल जाता है, पेन किलर मिल जाते हैं, ये सब सब मिल जाते हैं यहाँ पर।
प्रवेश द्वार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास। ये हॉस्टल एक्चुअली एमफिल स्टूडेंट्स के लिए है। आगे 300 मीटर पे यह हॉस्टल पड़ता है। इसके जस्ट बगल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है और उसके जस्ट बगल पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्टल। और ये रहा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हॉस्टल, जो कि बीटेक स्टूडेंट और ट्रेडिशनल स्टूडेंट दोनों के लिए है। यह है मेन एंट्रेंस और हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेस।